हेलो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को यार मेरी तरफ से सबसे पहले तो मोटी मोटी बात सो so, सभी को यार हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड कैसे हैं आप सभी लोग पहले जल्दी से बता दो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए साल के साथ जबरदस्त नए सेशन में और नहा के आया हूं ठीक है कहते हैं ना नए साल में सुबह सुबह नहाओ तो नहा के ही तो मैं नहा के आया हूँ ठीक है मैं क्या यार बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ कि आप लोग भी नहाना शुरू करें मजाक कर रहा हूँ यार मजाक कर रहा हूँ तो यार कोई पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं फटाफट एक बार आ जाओ ज्वाइन करते हैं जुड़ते हैं मिलते हैं बातचीत करते हैं बहुत सारे आपके मन में डाउट है बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं सो मैं चाहता हूं एक बार फटाफट सभी बच्चे इसमें ज्वाइन करो शेयर कर दो यार वीडियो को जितने बच्चों के पास शेयर कर सकते हो चलिए आ जाओ फटाफट बात करते हैं यार हैप्पी न्यू ईयर टू तो ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर यार सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्रेम यार आपके परिवार को आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रेम दोस्तों ठीक है सो so बेसिकली आज का सेशन है हमारा लॉग आउट ट्वेंटी ट्वेंटी लॉग इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दो हजार बीस को हटाओ और दो हजार इक्कीस में आप लॉग इन करो ठीक है सो so, बहुत सारी बातें करेंगे नॉर्मल बातें करेंगे कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए बात करेंगे बात करेंगे लेकिन यार ये रोज रोज बातचीत चलती रहती है प्रिपरेशन की सो so, आज मैं मिलना चाह रहा हूँ आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ आपके मन की जानना चाह रहा हूँ अपने मन की बताना चाह रहा हूँ तो एक बार फटाफट आ जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो यार काफी कम बच्चे हैं एक बार मैं चाह रहा हूँ फटाफट शेयर करो ताकि सभी लोग जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें हमारे साथ में जुड़ सकें एंड देन अपन लोग जो है इसको आगे सेशन को प्रोसीड कर सकें सो आई एम वेटिंग आईज सभी का वेट कर रहा हूं मैं ठीक है एक बार वेट कर रहा हूं मैं सभी का मैं शेयर भी कर चुका हूं चैनल के ऊपर बट ठीक है फिर से शेयर कर देते हैं दोस्तों कुछ सामान्य बात करेंगे ठीक है बात करेंगे क्या रहा 2020 के अंदर बात करेंगे क्या होगा 2021 के अंदर देखो यार साल बदला है डेट बदली है बाकी तो कुछ बहुत कुछ नहीं बदला है लेकिन बदले हैं कुछ हमारे हौसले सर कुछ नई चीजें आएंगी है ना एक एक पैमाने के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि पिछला साल गया बहुत लोगों का साल अच्छा भी गया होगा बहुत लोगों का साल बुरा भी गया होगा बट मैं इस यूनि यूनिवर्स के लिए अगर मैं अब बात करूँ अपने इस पूरे वर्ल्ड के लिए सो हजार बीस जो है वो एक बहुत अच्छा साल नहीं है है ना आप लोग भी जानते हो मैं भी जानता हूं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना ये बहुत अच्छा साल नहीं रहा ठीक है दुनिया भर के लिए अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोग जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है बट कोई बात नहीं यार मैं क्या देखता हूं दोस्तों मैं एक बात याद रखता हूं और मैं एक बात हमेशा सोचना भी चाहता हूं मैं एक बात हमेशा आप लोगों को बताना भी चाहता हूं प्रॉब्लम लाख है यार हजारों मुश्किलें आई होंगी आपके बीच में 2020 के अंदर में लेकिन देखो जो बच्चा उनको सामना करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है ना उसके अंदर वो जो जज्बा होता है वो उसको आगे लेके जाता है एंड आई थिंक कि आप लोग जो है 2020 से कुछ सीखे हो ठीक है कुछ एक्सपीरियंस लेना है मुझे पता बहुत सारी कमियां रही होंगी यार बट जो कमियां रही है ना देखो उस पर लाइन खींच दो ठीक है बहुत सारे लोग करंट अफेयर नहीं देखते होंगे कुछ कुछ अपनी मतलब करंट अफेयर छोड़ो मतलब मैं ऐसे ही बात बता रहा हूँ ठीक है पढ़ाई की बात अभी तक नहीं कर रहा मैं आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें रही होंगी आपको कंप्लेन रही होंगी आप समय से नहीं उठते होंगे खाना प्रॉपर नहीं खाते होंगे लेजी रहते होंगे जिम जाने की सोच रहे होंगे बट जा नहीं पा रहे होंगे और बहुत सारी चीजें रही होंगी ना अब बहुत सारा जो जो पेंडिंग है आपका ठीक है जो जो पेंडिंग है सो अब उनको हटाओ एक लाइन ड्रॉ कर दो दिस विल बी द एंड लाइन ये एंड लाइन होगी और यहां से ना अब क्या करना है दोस्तों हमें यहां से फ्रेश स्टार्ट करना है ठीक है एकदम नया शुरुआत करनी है 2020 गोना रॉकिंग ईयर फॉर यू गाइस एब्सोल्युटली रॉकिंग ईयर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं और देखो ये बात बोलने के लिए ना मतलब हिम्मत चाहिए होती है, जो अभी मैं दिन मैं बोलने वाला हूं। है ना उसमें हिम्मत चाहिए बट वो सब बातें हम बाद में करेंगे पढ़ाई की बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों 2001 दो साल हमने और अपनी एज का कम कर दिया पर पता नहीं हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं बट ठीक है यही ट्रेंड है यार दोस्तों ठीक है चलो हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं अ ब्रेक ठीक है पढ़ाई से एक ब्रेक लो यार एक दिन दो दिन की छुट्टी लो मैं सभी को बोलूंगा एक दो दिन की छुट्टी लो आराम से क्योंकि भाई मैं तो जा रहा हूं छुट्टी पे ठीक है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ एक दो दिन मैं हो गया हूं परेशान ठीक है अब मैं दो दिन मनाऊंगा छुट्टी छुट्टी के बाद लेकिन छुट्टी में भी आप लोगों से जुड़ा रहूंगा मैं ठीक है इंस्टाग्राम अपना लाइव स्टार्ट हो गया साथ ही साथ में अपना एक और जो है एक और माध्यम होगा जिसके द्वारा हम आपके साथ में जुड़ेंगे बिल्कुल आपके साथ में कनेक्ट रहूंगा मैं जा रहा हूं दोस्तों दो चार दिन की वेकेशन मैं जा रहा हूं घूमने ठीक है मैं चाह रहा हूं अपना स्ट्रेस बाहर करने मैं जा रहा हूं अपने लिए एक नया स्टार्ट करने और आप लोगों से भी सजेस्ट करूंगा टेक अ ब्रेक ठीक है लाइफ है इसमें बिल्कुल कुत्ते की तरह मत दौड़ते रहो काम करना है लेकिन गधे वाला काम नहीं करना बेचारा ढोए जा रहा है ढोए जा रहा है ठीक है आपको क्या करना है आप

कुत्ते भाग रहे थे कुत्तों की रेस थी वो है ना बहुत तगड़े तगड़े कुत्ते आ रखे थे बहुत जबरदस्त कुत्ते आ रखे थे सो so, उन कुत्तों के बीच में जो है चीता भी था चीता भी एक ने अपना दौड़ाना था सो so, सारे कुत्ते जैसे ही विशल बजी सारे कुत्ते दौड़ने लग गए ठीक है धमाधम धमा धम धमा धमाधम दौड़ने लगे दौड़ने दम, 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 दम लगे दौड़ने लगे, लगे, लगे ठीक है सो so, सारे कुत्ते एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तेरे से ज्यादा हूं मैं तेरे से ज्यादा हूं मैं तेरे से तेज हूं लेकिन चीता जो था वो अपने काम था दोस्तों वो बैठा था उसको पता है ये रेस उसकी है ही नहीं वो रेस में भागा भी नहीं ठीक है उसको पता है उसकी अप्रोच अलग है और उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में सेम बात मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों हर एक आदमी का जीवन अलग है हर एक, हर, एक गे गे। हर एक आदमी की अप्रोच अलग है हर एक आदमी की इंटेलिजेंस अलग है हर एक आदमी की कैपेसिटी अलग है हर एक आदमी का सरकम अलग है है ना अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो क्या आपकी स्ट्रेंथ है दोस्तों कोई बात नहीं पीछे गया सब पानी मारो यार मैं तो कहता हूं देखो इस लाइफ में हम बार बार पढ़ाई की बात क्यों करते हैं सर घूम फिर के बाद पढ़ाई करियर पर क्यों आती है बिकॉज दिस इज वॉट वी हैव टू डू यही वो चीज है जो हमें अभी बनाना है दोस्तों एक बार करियर बन जाए एक बार हम उस मुकाम को अचीव कर ले उसके बाद में दोस्तों कोई कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं है नहीं है कि कुछ भी करने की आज पचास चीजों के पीछे मैं भागता हूं वो पचास चीजें ना मेरे पीछे भागेगी गारंटी दे रहा हूं हर एक उस बच्चे से मैं बात कर रहा हूं अरे पचास तरीके की प्रॉब्लम होगी रोते हो पड़े पड़े एना याद करते हो यार ये हो गया मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं ये यूपीएससी जो है ना ये आपका ऐसा सपना है ये एक ऐसी मंजिल है दोस्तों हर एक चीज इस देश के अंदर में जो भी है ना वो देखो यू यू सलाम ठोकेगा यू ठीक है यू सलाम ठोकेगा आपको मतलब इस पोजीशन के ऊपर आप जाओगे इस आप समझो यार उस, उसकी गरिमा समझो आप मतलब क्या सोचा है ना आपने क्या करने का सोचा है आप सोच नहीं पा रहे हो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों ठीक है जो आपने ड्रीम सोचा है ना जो आपका सपना है ठीक है बहुत सुहावना है यार बहुत सुहावना है एक बार उसको लिव करना स्टार्ट करो ठीक है और कोई दिक्कत नहीं टाइम लो टेक योर टाइम मैं कह रहा हूं दो दिन छुट्टी लो अब मैं यही बोल रहा हूं आपको दो दिन छुट्टी लो और एक लाइफ इमेजिन करो जिसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं है आपकी जॉब लग चुकी है जॉब नहीं आपने जो सोचा था जिंदगी का जो मोटिव था मकसद था आप वहां पहुंच गए हो और उसके बाद का आपका सफर सोचो अब क्या होगा ठीक है जस्ट थिंक ठीक है इमेजिन करो दो दिन की छुट्टी लो दोस्तों बढ़िया से सोचो तसल्ली से सोचो तबीयत से सोचो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों एक ब्रेक जरूरी है घर वालों के साथ सेलिब्रेट करो उनके साथ बिताओ दोस्तों समय बिताओ और थोड़ा एक टाइम लो एक पॉज लो सोचने का कि क्या चीज अभी तक गलत हुई है और क्या आप सही करना है ठीक है बहुत सारी चीजें आपने 2020 में गलत की होगी 2021 में आपको क्या करना है सही करना है और देखो बार बार मैं तो ये बहुत बात सुनता आ रहा हूं कि दो में कोरोना था बहुत खराब साल था, था भाई ठीक है ठीक है था तो भैया मुश्किलों का सामना करके ही एक आदमी बनता है एक व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है ना आपके व्यक्तित्व का निर्माण आप कितने व्यक्तित्व से स्ट्रांग बंदे हो कितना आपका व्यक्तित्व मजबूत है आप कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो ये डिपेंड करता है आपने कितनी मुश्किलें झेली हैं अगर आपने मुश्किलों का सामना किया है दोस्तों तो ये बात मैं मानूंगा तो ये बात मैं जानूंगा कि आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग है अगर अदरवाइज तो नहीं होगा समझ रहे हो तो मुश्किलें कितनी आए दोस्तों ठीक है वो आदमी मुझे तो लगता है उसके जीवन में कुछ है ही नहीं जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ना आए क्योंकि मुश्किलें ही जो है वो आदमी को क्या बनाती है दोस्तों बेहतर बनाती है ठीक है हाँ मैंने ये भी सुना है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है पेपर ऐसा आ रहा है ट्रेंड बदल रहा है ये बदल रहा है वो बदल रहा है अरे मत सुनो भैया किसी की मत सुनो ठीक है अपने में भरोसा है कि नहीं है सिर्फ मैं एक बात मानता हूं तुम यूपीएससी से यह सोच रहे हो कि तुम हलवा दे देगा बना के कह दे ठीक है वो नहीं हो पाएगा भाई यूपीएससी उसी चीज के लिए जाना जाता है और उसी चीज के लिए जाना जाएगा आगे भी सो नेवर एवर ये मूर्खता मत करो कि यूपीएससी क्या करने वाला है ठीक है मैं ऑलवेज बात करता हूं दोस्तों यूपीएससी के पास एक साल होता है उस चीज को तैयार करने का वो एक क्वेश्चन तैयार करने में एक साल ले रहा है दोस्तों लेकिन आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है आपका काम बड़ा है आप यूपीएससी की चिंता मत करो वो क्या पूछेगा कहां से पूछेगा कौन सा पूछेगा ये हो उसने सिलेबस दिया हुआ सिलेबस को फाड़ दो यार चीर दो उसको यूं ठीक है इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए और मैं क्या बोलता हूं मैं तो एक बात मानता हूं यार इस जवानी का क्या फायदा यार अभी यंग है ना इस जवानी का फायदा क्या की करिए जुनून ना हो तो ठीक है मेरे अंदर तो है यार मेरे अंदर तो आपसे तो बुढ़्ढा ही हूं मैं ठीक है बट मेरे अंदर है दोस्तों मेरे अंदर है और मैं मानता हूं दोस्तों कि इस, इस, इस जवानी का क्या फायदा अगर हमारे अंदर जुनून ना हो देखो मैं पढ़ाई की कोई बात नहीं कर रहा हूं रिलेटेड सर्च हो भैया ये हेलो महाराज रिलेटेड सर्च अभी क्वेश्चन मत पूछो मेरे से अभी पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी ठीक है आई एम नॉट इन द मूड कि आप मेरे से कोई पढ़ाई करो मुझे लगता है मैं एक दो कमेंट भी पढ़ रहा था कुछ कुछ लोग मेरे मेरे को गरिया भी रहे थे और पर ये आपने गुरुकुल शुरू कर दिया हमसे चार चार चैनल सब्सक्राइब करवा लिए और आप क्लास नहीं ले रहे हो चार चैनल तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने चार एकड़ आपकी जमीन अपने नाम करवा ली हो मैं क्या कह रहा हूं प्रोग्राम स्टार्ट होगा यार मैं मशीन नहीं हूं भाई मैं मशीन नहीं हूं और ना मैं मशीन आपको बनाने वाला हूं ठीक है सिंपल सी बात है मैं रिजल्ट ओरिएंटेड और काम करूंगा ठीक है मैं मुझे जरूरत भी है मुझे फ्यूल की भी जरूरत है मुझे दोबारा से रिचार्जिंग की भी जरूरत है है ना मुझे ब्रेक की भी जरूरत है मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही बोलता हूं अरे मशीन मत बनो यार ठीक है बार बार बोलता हूं कुत्तों की तरह काम मत करो यार ठीक है स्मार्ट वर्क करना है अच्छा काम करना है फ्रेश रह के काम करना है क्योंकि दिमाग का फ्रेश होना भी क्या है दोस्तों बहुत जरूरी है आपकी ना सारी समस्याओं के समाधान में आऊंगा जैसे ही अब देखो अभी कुछ दिनों तक हो सकता है मैं अपनी रेगुलर क्लासेस ना लूं ठीक है क्योंकि देखो मैं जा रहा हूं यार एक वेकेशन के ऊपर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं तो कुछ दिन तक तीन से चार दिन तक हो सकता है हमारी रेगुलर क्लासेज ना हो मैं यही नहीं कह रहा क्लास नहीं होगी मे भी क्लास हो जाए अगर इंटरनेट रहा वहां पर तो मैं क्लासेस जरूर करने का कोशिश करूंगा ऐप पे करूंगा क्लास या यूट्यूब पे रिकॉर्डेड करके कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूंगा बट मे एम नॉट गिविंग यू द श्योरिटी बट हां जब मैं वापस आ जाऊंगा आपका गुरुकुल प्रोग्राम लाइव हो जाएगा आपका 2021 के लिए यूपीएससी के लिए पूरा प्रोग्राम पूरा शेड्यूल मैं आपको दूंगा है ना आप अपनी बात पे अडिग रहना ठीक है मैं बार बार बोलता हूं आप अपनी पे अडिग रहो तब जाके मुझे कहो ठीक है आप लोगों ने पहले आना बंद किया था यार तब जाके उस प्रोग्राम को थोड़े दिनों के लिए होल्ड किया गया था बंद नहीं किया गया था आप अपनी बात पेड़ के रहना धमाल मचाएगा ये बात आप जान लो ये बात आप समझ लो ये बात आप मान लो तो ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से दोस्तों एक नई सुबह है थे ना अभी होगी नहीं है तो हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में बट नई सुबह है दोस्तों और नई सुबह का मतलब खुल के वेलकम करो यार खुल के देखो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब लगता है मैं भी उन्हीं में से हूं कई आप में से होंगे जो सोच रहे होंगे दिन ही तो बदला है हाँ दिन ही बदला है कोई बहुत बड़ी तीर नहीं चला लेकिन हाँ आपके अंदर ये दिन बदला अगर पॉजिटिविटी भरता है अगर आपके अंदर में एनर्जी भरता है अगर आपके अंदर में जोश भरता है दोस्तों सो ये दिन अच्छा है है ना अगर साल चेंज होने के नाम से आपके अंदर जोश आता है आपके अंदर जुनून आता है आपके अंदर एनर्जी आती है तो दोस्तों ऐसा होना क्या है जरूरी है मैं तो कहता हूं फिर रोज साल बदले समझ रहे हो जोश जुनून और जज्बा अगर आपका इंप्रूव होता है तो और ये जो काम करने वाले हो ना दोस्तों इतने सारे लोग हैं दस लाख लोग प्रलिम्स में बैठेंगे तो भैया जिगरा चाहिए होगा जिगरा ठीक है उस दस लाख लोगों में से सामना करना हिम्मत करना जिगरा चाहिए होगा कई बच्चे कहते हैं सर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैं पहले बोलता हूं मेरे साथ वो मतलब जुड़ो जो ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे मेरे साथ वो जुड़ो कि सर कॉन्फिडेंस है मुझे आप बताओ मैं करके दिखाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दसवीं में कितने मार्क्स थे आठवीं में कितने थे बारहवीं में कितने थे ठीक है ग्रेजुएशन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं आज आग है आपके अंदर सीने के अंदर आग है तो आग है तो लेके आओ ठीक है So, आज मैं कोई पढ़ाने नहीं आया कोई आपको बस मैं ये देखना चाहता हूं दोस्तों मैं आपको चार्ज करना चाहता हूं कि आप थोड़ा फ्रेशन अप दिमाग अच्छा करो दो दिन का ब्रेक लो पढ़ना नहीं पढ़ना जो करना है करो यार ठीक है लेकिन मैं दोबारा क्लासेस जब शुरू करूंगा मुझे मेरे साथ मेरा एक एक बच्चा जो है ठीक है मेरा एक एक स्टूडेंट जो है मेरा एक एक साथी जो है मेरा एक एक दोस्त जो है मुझे वापस चाहिए और मैं अपना पूरा पूरा प्रोग्राम जो है आपके लिए स्टार्ट करूंगा दोबारा से रिलॉन्च करेंगे एंड मैं आपको ये बात का गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन बट सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए और वो चीज क्या है दोस्तों आपके अंदर जुनून आपके अंदर वो जज्बा आपके अंदर वो लगन वो चाहिए दोस्तों मैं आपके साथ हूं ठीक है अभी जो है अभी भी हम रहे थे साथ में आपका ऐसा नहीं है कि हमने दिसंबर माह के अंदर क्लास नहीं ली हमने हाँ दिसंबर के अंदर में अगर मैं बात करूं आपका तो मैंने 130 एंड थर्टी आर्स के साथ आपके साथ मैंने क्लासेस ली हैं अन अकेडमी ऐप पर ली हैं वो बात अलग है बट अब थोड़ा जो है यूट्यूब के अंदर मैं अपनी दोबारा से मैं अब सारा प्रोग्राम जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसको बुरा बरकरार रखेंगे पंकज सर के साथ मिलेंगे पंकज सर के साथ जुड़ेंगे कुछ देश के बेहतरीन आई एस ऑफिसर देखो आपकी तैयारी एक अलग तरीके से कराऊंगा मैं वो नहीं समझता कि बस लेके बैठ जाए पड़ जाए नहीं पहले तो मुझे आपके अंदर में लिटिल पुश हमें सर एक धक्के की जरूरत होती है कईयों ने अनजाना अनजानी कुछ ज्यादा देखी हुई है लिटिल पुश सो मैं लिटिल पुश दूंगा पहले आपको दोस्तों और पूरा देखो माहौल बनाया जाता है पहले दिन से पढ़ाई नहीं करनी आपको मैं आज फिर बोल रहा हूं लेट स्टार्ट फ्रेश नए से शुरू करते हैं मैं तीन दिन दे रहा हूं दोस्तों आपको इस तीन दिन में ना कुछ मत करो यार कोई पढ़ाई मत करो जस्ट स्टार्ट अज्यूमिंग दैट जो आप बनना चाहते हो आप बन गए हो ठीक है स्टार्ट अज्यूमिंग योर लाइफ आफ्टर यू बीके आई एस ऑफिसर आफ्टर ऑफिसर आप सोचो यार जिंदगी क्या होगी देखो जो करना है तार बिड़ाओ तार क्योंकि उसकी भी यही उम्र है उसके बाद भी उम्र नहीं होगी लेकिन अब ये समय है तो इसी पे करो बेवक्त समय पे काम नहीं करना क्योंकि चार बजे के बाद चार तारीख के बाद जब हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो उस क्लास के अंदर मैं आपको फिर मौका नहीं दूंगा ठीक है फिर अगर तुमने चैट के अंदर में गुटर गुड़ लगाई अपनी तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं है मैं पहले बता रहा हूं आप करो मजे करो जो करना करो दोस्तों ठीक है और मुझे क्या चाहिए ना कॉन्फिडेंस ठीक है भाई मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे एक एक स्टूडेंट के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए स्पेशली दोस्त बिलोंग्स द रूरल रूरल बैकग्राउंड जिनको ये लगता है कि यार मैं शायद बाकियों से पीछे हूं ठीक है मैं अरे मुझे ना कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता था एंड आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू अगर मैं कर सकता हूं ना तो इस देश का कोई भी व्यक्ति कर सकता है एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा ठीक है आई मीट यू मैं मैं सॉरी मैं आपको उन बंदे से मिलवाऊंगा उन सर से मिलवाऊंगा जिन्होंने मेरी जर्नी को देखा बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है उनसे जानना आप मेरी कहानी दोस्तों ठीक है बहुत जल्दी हम लेके आएंगे दोस्तों और पूरी की पूरी चीज मैं स्टार्ट करूंगा में दोस्तों दो हजार इक्कीस आया नया साल है वैसे कुछ बदला नहीं है डेट बदली है कुछ नहीं है वही सुबह होगी ठीक है वही सुबह सुबह थोड़ी बहुत देर घर वाले कहेंगे बेटा नया साल है नया साल है उसके बाद में वही गाली गालियां चलनी स्टार्ट हो जाएगी कहीं वाले देते रहते हैं ना डाक खड़ा हो जाओ अरे खा, खाना खा ले अरे काम कर ले कुछ अरे पढ़ा है वो चीज सब शुरू होगी वही चलेगा लेकिन नया साल है दोस्तों एक नई एनर्जी होनी चाहिए और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप एक एक बार रुकें पॉज लें सोचें थोड़ा सा स्टार्ट करें और देखें कि दोस्तों क्या करना है हमें ठीक है 2021 इज गोइंग टू न्यू ईयर ये इस साल के अंदर आपको दोस्तों कुछ ऐसा करना है ठीक है कुछ ऐसा करना है कि आप इतिहास बनाओ समझ में आ रही बात आप इतिहास बनाओ बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या करें बड़ा दुख है तो दो में देखो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था 2021 में रेजोल्यूशन लो क्या 2021 में रेजोल्यूशन ऐसा लो कि लोग जो है न, आपको ना आपको ब्लॉक ना करें आपको सर्च करें कहा गया ठीक है कुछ ऐसा करके दिखाओ दोस्तों ठीक है वो जज्बा लेके आओ दोस्तों और आप कर पाओगे मैं एक बात हमेशा बोलता हूं दोस्तों अगर अभी ना ये यंग स्टेज में हम जवानी में ठीक है ये जवानी किस काम की कि अगर हमारे अंदर इतना जोश ना हो कि हम बस मतलब कर देंगे यार कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वी विल गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों यू नो यू आपको कोई भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी एग्जाम के अंदर जब आप मेरे साथ होगे पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पर पूरा प्रोग्राम हमारा प्लस पे ऐप के ऊपर पूरा इंटीग्रेट करके मैं आपके लिए 2021 के अंदर मैं प्रस्तुत करने वाला हूं लेकिन हाँ दो तीन दिन दोस्तों मैं क्लासेस नहीं लूंगा मैं आपको पहले बता रहा हूं ठीक है मैं गारंटी guarantee... नहीं दे रहा आपकी क्लास होगी सो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूं दोस्तों क्योंकि मैं एक मशीन नहीं हूं ठीक है मैं एक जिंदा आदमी हूं दोस्तों और मैं एक जिंदा आदमी हूं तो मेरे अंदर भी मैं भी चाहता हूं कि एक नया ईयर जो न्यू ईयर है स्टार्ट करूं सो मैं फ्रेश वाइफ से स्टार्ट करूं ताकि पूरे साल जो है मैं आपके बीच में एक अच्छे से रह सकूं माफी चाहूंगा कुछ लोगों को शायद ये बात गलत लगे उनको लगे नहीं सर हमारी तो क्लास कल से शुरू करो आप तो दो तीन दिन से पहले ही नहीं पढ़ा रहे तो भैया मेरे को ब्रेक की जरूरत है मैं ब्रेक लूंगा आपके साथ मिलूंगा दोबारा आऊंगा दोस्तों लेकिन हाँ आप भी फ्रेश हो अच्छे से बढ़िया दिमाग फ्रेश करो ठीक है चार्ज रहो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके सर यहां बैठे हैं मैं गारंटी में छाती ठोक के बोल रहा हूं यह बात आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं यहां बैठा हूं दोस्तों आपके हिस्से की चिंता मैं करूंगा ठीक है बस आप अपना जोश बढ़ा के रखो आप जो मैं बताऊं वो करके रखो ठीक है उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके लिए चिंता करने वाला मैं बैठा हूं यहां पे ठीक है और मैं ये बात आपको लिखित में दे सकता हूं ठीक है आपको कुछ भी करने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन हां मैं अपने काम ईमानदार रहूंगा आप अपने काम पर ईमानदार अगर आप ईमानदार रहेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली ट्वेंटी हमारा होगा दोस्तों और ट्वेंटी के अंदर में हम रचेंगे क्या इतिहास ठीक है चलिए दोस्तों सो मेरे तरफ से सभी के जो अंकल आंटी है मम्मी पापा है आपके सभी को मेरी तरफ से यार ढेर सारा प्यार देना ढेर सारा प्रणाम देना मेरी तरफ से आपने तो कभी छुए नहीं होंगे मेरी तरफ से उनके पैर छूना और आशीर्वाद लेना ठीक है आपने नहीं, मेरे लिए लेना ठीक है आशीर्वाद कि 2021 के अंदर में मैं आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं खरा उतर सकू दोस्तों सो so, सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन 2021 आपका सुखद रहे दोस्तों आप जो चाहते हो इस साल के अंदर में वो आपको मिले बस देखो मिलने वाली देखो ऊपर जो देने वाला है उसके पास देने के लिए कमी नहीं है लेकिन आपके अंदर में भी वो मांगने का जिगरा और उसको उस पर अड़े अड़ेगी रहने की जो शक्ति है ना वो चाहिए होती है समुद्र से एक बाल्टी निकलती है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस बाल्टी बाल्टी को निकालने वाले की हिम्मत होनी चाहिए ना आपके अंदर इच्छा भी तो होनी चाहिए कि समुद्र से आप एक बाल्टी निकाल लो आपकी इच्छा ही नहीं है तो नहीं निकलेगा ना सो so, 2021 के अंदर में नया स्टार्ट करते हैं दोस्तों पिछली बात तो छोड़ो एक लाइन खींच दो एक लाइन ड्रॉ कर दो एंड लेट स्टार्ट अ फ्रेश एक नई शुरुआत करते हैं दो के अंदर बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ूंगा दोस्तों कुछ दिन दो से तीन दिन दोस्तों मैं एक वेकेशन प्लान कर रहा हूं ब्रेक दोस्तों और उसके बाद में मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा मैं ये नहीं कह रहा कि दो तीन दिन शायद क्लास में ना लू क्लास होगी शायद मैं ऐसा मना नहीं कर रहा बट हो सकता है क्लास हो भी और हो सकता है क्लास ना भी हो आपको जो भी चीजें होगी आपके टेलीग्राम के ऊपर आपको मैंशन कर दी जाएगी है ना लेकिन हाँ टाइमिंग में जरूर fluctuation रहेगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं तो इंटरनेट वगैरह का इश्यू की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बट हाँ मैं कनेक्ट जरूर रहूंगा इस बात को मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपसे 100% कनेक्ट रहूंगा मैं आपके बीच में रहूंगा ठीक है आपके साथ रहूंगा ठीक है इस बात की मैं आपको पुष्टि कर देता हूँ इस बात का मैं इंश्योर कर देता हूँ चार दिन मैं आपसे दूर नहीं हूं आपके साथ ही हूं बट चार दिन ना मेरे से पढ़ाई उड़ाई का जमेला मत करवाना <laughs> मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है तब भी आप भी ब्रेक लो यार और सभी बच्चों को फिर से सभी आपके बच्चा सभी बच्चों को आपके पेरेंट्स को आपके बच्चों को आपके होने वाले बच्चों को ठीक है वगैरह वगैरह जो भी हैं सबको मेरी तरफ से दोस्तों ढेर सार 2021 की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों नए से शुरू करेंगे अच्छा शुरू करेंगे बहुत बढ़िया काम करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं टेंशन छोड़ दो अभी तक जो हुआ उसको त्याग दो यार चिंता करने से कुछ नहीं होता जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की चिंता है कोई कलेश है ग्रह कलेश है या किसी को स्वतन से छुटकारा चाहिए सरकारी नौकरी का प्रलोभन है आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही किसी के अंदर विदेश में जाने की इच्छा है विदेश यात्रा करनी है वगैरह 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 जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों मिलेंगे चार तारीख से बाबा खान बंगाली आपसे मैं आऊँगा दोबारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी दिक्कतों को पूरा करने की आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने की एंड एक बहुत अच्छी शुरुआत दोबारा से हम करेंगे और बहुत अच्छा दोस्तों हम इस प्लेटफॉर्म को बनाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे ठीक है सो so, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों अगर किसी को भी दो हज़ार के अंदर मेरी तरफ से कुछ बुरा लगा हो सो so आप सभी लोगों से दोस्तों माफ़ी चाहूँगा एंड साथ ही साथ में एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से दो 2021 की शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों ठीक है अब वो बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है जिसको देखने के लिए आप मरे जाते हो ठीक है वो क्या है दोस्तों ये अपना प्रोग्राम शुरू हो रहा है दोस्तों कब से जैसे ही मैं वापस आऊंगा आई प्रोमिस यू वी विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम ठीक है मतलब तीन या चार तारीख से थर्ड फोर जैन से विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम एन ऑल दी चैनल्स ठीक है जोग्रफी वन जीरो वन मैप वन जीरो फोर चैनल्स और ये चार चैनल मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ आपकी चार एकड़ जमीन नहीं मांग रहा मैं कि अपनी चार एकड़ जमीन मेरे नाम कर दो या मुझे चार तोला सोना दे दो ऐसी मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूं जस्ट सब्सक्राइब ऑल फोर इफ इफ यू यू टू टू सी क्लास अगर आप मेरे से जुड़ा रहना चाहते हैं तो नहीं चाहते मैं माफी चाहता हूं कई बच्चे नाराज हो जाते हैं तो मैं माफी चाहता हूं यार उनसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन को शायद मैं पूरा ना कर पाऊं तो आप गुस्सा मत कीजिए मैं भी एक इंसान हूं ठीक है बाकी यहां पर दोस्तों मैं जरूर इसको स्टार्ट करूंगा और ये प्रोग्राम ये बंद नहीं होगा दोस्तों ये जिंदगी में बंद नहीं होगा ये आपको ये बना के छोड़ेगा तभी जाके बंद होगा ठीक है बंद भी नहीं होगा वो मंजिल मिल जाएगी तब छोड़ेंगे उसको समझ में आ रही बात तो so, दो का प्रोग्राम जो है ये दो के बाद ही खत्म होगा और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है नाम क्या आई एस गुरुकुल दो हजार तो आज से शुरू हुआ है आज से शुरू हुआ है ना 2021 तो तो बंद कहां से हो गया भाई तो प्रोग्राम तो आज से शुरू हुआ है इससे पहले कुछ ट्रेलर चल रहा था सो इस पे भी और साथ साथ में ऐप के ऊपर भी है ना ऐप पे भी करेंगे दोस्तों और आपको पता है दोस्तों आप मेरे साथ प्लस पे भी जुड़ सकते हो ठीक है प्लस पे आप जुड़िए दोस्तों मेरे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए मेरा कोर्स आ रहा है मेरा बैच आ रहा है दोस्तों फ्रॉम फोर्थ ऑफ जनवरी फोर्थ ऑफ जैन से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों उसके बाद पंद्रह जैन से मेरा कोर्स आ रहा है ठीक है पंकज सर के साथ मैं बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस लेके आ रहा हूं सो so, दो के लिए आपकी पूरी तैयारी का ध्यान मुझे है सो so, बस दोस्तों आपको मेरे को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द कोड सुमिट टेन मेक श्योर कि आप कोड क्या यूज करें सुमित टेन इसमें कोई स्पेस नहीं है एस यू एम आई टी वन जीरो कोड का यूज करके आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेन मेरा रहेगा। दोस्तों, 4th January, batch, आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर आज मैं इसको शेयर कर दूंगा ठीक है टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा दोस्तों आपको ठीक है हो सकता है कल मैं ना रहूं तो एक वीडियो भी मिले आपको ठीक है जिसमें आपको बताया जाए बैच कैसे कैसे होगा कैसे कैसे, कैसे नहीं होगा सो so, कल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों पूरा का पूरा सॉरी उस बैच के अंदर आप जुड़ सकते हो सो so, उसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों आपको जो जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमिट टेन सुमिट टेन मेरा कोड रहेगा जिन बच्चों को जुड़ना है मेरे साथ दोस्तों पहली बात तो मैं कहता हूं सीधा मुझे मेल कर लो जिनकी कोई भी क्वारी है सीधा मुझे मेल कर लो एंड मेक श्योर कोड आप यूज क्या करें सुमिट टेन देखो ये मेरा कोड है अगर आप जुड़ना चाहते हैं सुमित सर से तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोड क्या यूज करना है सुमिट टेन यहां पर तीन ऑप्शन होते हैं आपके जीएस ऑप्शनल और तीसरा क्या होता है दोस्तों ये होता है कॉम्बो देखो कॉम्बो का अभी लिंक ऐप पे नहीं है इसके लिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे को मेल करना पड़ेगा जो भी बच्चा इसका लिंक चाहता है ना वो मुझे मेल करेगा सो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कॉम्बो का बाकी जीएस और ऑप्शनल जो है ये आपको मिल जाएगा अगर आप अलग अलग खरीदना चाहते हो कॉम्बो चाहिए आप सीधा मेरे को मेल करो मैं ही आपको लिंक सेंड करूंगा तभी हो पाएगा गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे और गेट सब्सक्रिप्शन आपको पता है प्लस और आइकॉनिक आइकोनिक का आज से प्राइस बढ़ जाना है बट नहीं बढ़ा है तो फिर भी आपके लिए एक अच्छा मौका है ले लेना जाके परचेज कर लेना दोस्तों है ना ये प्राइजेस हैं दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हो बाकी कोड रहेगा आपका सुमित टेन मैं बार बार बोलता हूं आप भी बोलते हो दोस्तों तो मेरे साथ आप भी बोलने लग गए हो तो एक बार फिर से बता दो दोस्तों क्या सुमित टेन खास है बाकी देखो आप लोग समझदार हो एक बार फिर से और दोस्तों दो के अंदर में जो ढेर सारा प्यार आपने दिया मैं हाथ जोड़ के दोस्तों तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा एंड आई ट्राई कि 2021 में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ में लिव अप कर सकूं मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकूं ट्रस्ट मी यार ठीक है एक बहुत मैंने बेसिक्स सी जर्नी अपनी शुरू की थी ठीक है मुझे नहीं पता था एक दिन मुझे बच्चों का इतना सपोर्ट इतना प्यार मिलेगा बट यू गाइज मेड इट दोस्तों आपने मुझे वो प्यार सम्मान जो है वो दिया एंड आई एल मेक श्योर कि आपको जो है कोई भी किसी भी प्रकार की आपके प्रिपरेशन के अंदर में मैं कोई प्रॉब्लम ना आने दू ठीक है सो so, दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ जो भी बच्चा जुड़ना चाहे दो कनेक्ट दो प्लस प्लेटफॉर्म दे कैन कम एंड ज्वाइन मी ठीक है कहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे सुमित टेन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ठीक है बाकी ये पढ़ाई का काम खत्म कर रहा हूं अभी दोस्तों राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू ट्रिप मैं एक ट्रिप अपनी शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों जिसके अपडेट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर जिसके अपडेट मैं शेयर करूंगा आपके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो दोस्तों आप लोग बिल्कुल मेरे साथ रह सकते हो यू गाइज आल मई फैमिली सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं आपके साथ रहूँ यहाँ पर भी मैं आपके बीच में रहूँ यहाँ पर भी मैं आपके साथ जाऊँ ठीक है मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ आज ठीक है अगर आप लोग एक होते यहाँ पे तो एक एक को मैं जरूर मैं चाहता कि आप लोगों से एक एक से मैं हाथ मिलाऊं एक एक से मैं गले मिलूँ क्योंकि आप लोगों ने यार जो प्यार दिया है जो सम्मान दिया है जो इज्जत दी है वो बहुत है यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगा दोस्तों कि वो प्यार मेरे साथ बनाए रखना 2021 के अंदर में भी मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को दोस्तों बनाए रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपकी सभी जरूरतें जो इच्छाएं हैं जो आपकी यूपीएससी के लिए जो आपकी यूपीएससी के लिए जो इच्छाएं हैं यूपीएससी के लिए जो जरूरतें हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को दोस्तों पूरा कर सकूं ठीक है ये मैं आपकी पूरी पूरी अपनी कोशिश मैं अपना बेस्ट दूंगा आप अपना बेस्ट देना दोस्तों एंड मिलके हम दोस्तों इस 2021 के एग्जाम को निकाल लेंगे ऑन दिस दिस नोट वी आर एंडिंग सेशन दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप मेरे लिए आए इस सेशन को आपने ज्वाइन किया और फिर से दोस्तों मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और मैं मतलब बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं कि वास्तव में दोस्तों ठीक है ह्यूज फॉर ऑल ऑफ यू बहुत सारी रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारा प्यार है ठीक है मैं उम्मीद करता मैं कोशिश करता कि आप लोगों से मिल सकूं आप लोगों से बात कर सकूं परंतु देखो एक एक बच्चे से मिलना मेरे लिए अभी संभव नहीं है सो दिस इज द प्लेटफॉर्म दिस इज अ वर्चुअल मीडिया जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं मेरे इंस्टाग्राम से भी मैं आपसे जुड़ूंगा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सो so, अभी मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों मुझे अपनी जर्नी नई शुरू करनी है ठीक है मैं कहीं जा रहा हूँ दोस्तों घूमने एंड वेरी मच एक्साइटेड काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ So, मिलते हैं दोस्तों आपसे सो टेक केयर बाय हैप्पी न्यू ईयर ठीक है आपका 2021 दोस्तों जो चाहते हो आप सब कुछ मिले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा टेक केयर जय हिंद लव यू गाइस